को करिकुलर एक्टिविटीज में वो बड़ा पार्टिसिपेट करती थी। Absolutely. कभी आपके साथ भी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपने इकट्ठे कहीं काम किया या आपने देखा या कुछ याद आपके इस हवाले से कुछ? नहीं, डेफिनेटली हमारा एक तो क्योंकि उस वक्त मैं भी म्यूजिक में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो एक तो सब्जेक्ट सेम, ऊपर से थोड़े बहुत इंटरेस्ट भी अब सेम के को करिकुलर्स में। उसको ड्रामेटिक्स में भी शौक था, थिएटर में उसने जाना था। हमारा मुझे अच्छी तरह याद है कि आई थिंक इट वॉज ड्रामा फेस्ट और हमारे पास कोई टीचर नहीं था, तो अरफा ने वो स्क्रिप्ट लिखी, लिख के जी सारे रोल्स डिफाइन हो के अरफा वेंट ऑन स्टेज एंड शी एक्टेड इन लम्स। गानों में उसने बाहर परफॉर्म तो कभी नहीं किया मेरे साथ, क्योंकि हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस में जाके परफॉर्म करते थे, बट हमारे जो जैमिंग सेशंस होते थे रूफ टॉप के ऊपर जो हम प्रैक्टिस करते थे, उसमें कभी अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मेरे से पहले अरफा पहुँची होती थी और अरफा जो है वो जैम कर रही है हमारे बैंड के साथ। तो वो कभी जॉम्बी चल रहा है, कभी जो है रंजिश ही सही चल रहा है, तो सुर जो थे वो अरफा के पक्के थे, बिल्कुल पक्के सुर थे। हालांकि उसने कहीं से सीखा नहीं था, लेकिन बचपन में जब वो स्कूल लेवल पे जाती थी ना डिफरेंट कॉम्पिटिशन पे, तो उस वक्त होता ये था कि लोग समझते थे कि सीखती है कहीं से, वेरस उसने वाकई कहीं से नहीं सीखा। वो सिर्फ सुनती थी और सुन के उसको रिपीट करती थी और उसकी बारीक चीज़ों को पकड़ती थी कि कहाँ से क्या इसने, जैसे पता नहीं है वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो बड़ा अच्छा सुनाती थी। बहुत छोटी होती उसने जब वो सुनाया पहली दफ़ा, शी वॉज स्टूडेंट ऑफ आई थिंक थर्ड क्लास या बिल्कुल फोर्थ का स्टार्ट था, मुझे याद है। ये अगर आप पीछे देखें ना, एक तस्वीर जो येलो वाली है इसमें वो यही सुना रही है। ये अब आप एज का अंदाज़ा लगा लो कि मुझसे पहले इसी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग सुना रही है इस उम्र में, इस उम्र में। तो उस वक्त भी इतनी खूबसूरती से उसने सुनाया। चांद बाग अगर आपको पता उस नाम का, वहाँ जाके इसने यही सुनाया, विन किया स्कूल के लिए। जिस स्कूल में जाती थी कौमी नगमे हैं, नात है, नात कंपटीशन में वो छोटे होते उसने बड़े प्राइज लिए हैं कि जहाँ जाती थी विन करके आती थी। उसके अभी भी मेरा ख्याल है जिस जिस स्कूल में वो गई है, हर स्कूल में उसकी कोई ना कोई निशानी ज़रूर होगी, ये मुझे पता है। हर क्लास से नर्सरी ऑनवर्ड उसके सारे के सारे जो कॉम्पिटिशन स्कूल की तरफ से कप्स हैं, सर्टिफिकेट्स थे, वो सारा ट्रॉफीज थी उसमें। हर स्कूल में मुझे आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो भी कोई स्कूल देखेगा उसमें उसका कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ा होगा। आई एम श्योर LGS पैरागॉन में हमारे आप एडमिन ब्लॉक से एंटर होते हैं तो बिल्कुल ही लेफ्ट और राइट साइड पर दो कैबिनेट्स हैं ट्रॉफीज़ की, उसमें अरफा की अच्छी खासी ट्रॉफीज़ हैं और वो आज भी हैं। वो आज भी आप जाएंगे उन पे नाम लिखा है अरफा करीम रंधावा। अच्छा। फिर कॉरिडोर से निकलेंगे तो उसकी अच्छी खासी बड़ी तस्वीर लगी हुई है कि जी ओ लेवल्स में जो उन्होंने ए स्टार्स और एज की तो मैं कहता हूँ लाइन लगाई थी, तो वो आज भी जो है वहाँ पे है, मौजूद है। आपको पता रजा, वो एक ना जब ओ लेवल की बात थी मुझे याद है कि उसने ना कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं ना स्टैट्स का भी पेपर दे लूँ। मैंने कहा स्टैट्स का पेपर देने क्या जरूरत है, तुम्हारा एडमिशन हो गया तुम पढ़ रही हो। कहती है नहीं उसमें स्टार आराम से आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा फिर कैसे करूँ, कितनी महीना है मेरे पास तो वो सर हैं यहाँ पे, मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मैंने जब उन सर से पूछा ना, मैंने कहा आप इससे करा देंगे? कहते हैं जी मैंने इसको क्या कराना है, इसको आता सारा कुछ ही है, मैं थोड़ा सा इसको गाइड करता हूँ, ये 15 दिन में भी कर लेगी, तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, इसको पता है थोड़ा सा, मुझे ज़रा स्ट्रैटेजी सी भी करनी है इसके साथ, बाकी शी नोज़ एवरीथिंग। तो उसने वाकई महीने डेढ़ की तैयारी में गालबन उसे वो पेपर दिया, उसका स्टार उसमें आ गया था। क्योंकि उसकी प्लानिंग चलती थी, घर में भी उसने कैलेंडर बनाया हुआ था कौन से महीने में क्या करना है, क्या नेक्स्ट टारगेट है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, किस में इंटरेस्ट है। वो हमेशा कहती थी कि ये इस साल मैंने अरबी लैंग्वेज सीखनी है क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। तो अरबी के लिए उसने वो गोलदारा लगा के ना उसका वो अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि इस गर्मियों की छुट्टियों में मैंने ये करना है। अच्छा आप रजा ये बताएं कि शरारत के बगैर तो अरफा पूरी नहीं होती, राइट? बिल्कुल भी नहीं। कोई याद है ऐसी शरारत कोई? उसी से बैठे बैठे मुझे एक और वाक्या उसका बड़ा दिलचस्प याद आया कि मेरे साथ हुआ ये था कि हमारे कॉरिडोर्स जो थे स्कूल के वो काफ़ी लंबे थे। हमारी थी मैथ्स की क्लास, मैं था लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी इधर थी, मैथ की क्लास वो बिल्कुल कोने में थी एंड पे। अब मेरा एक दोस्त था अली कुमैल, तो मैं लाइब्रेरी से निकला, अली गया, मुझे पता था कि अली देखने गया कि सर अमजद क्लास में आए हैं कि नहीं। मैं लाइब्रेरी से निकला, मैंने देखा अली बाहर ही है, मैंने आवाज़ ले रही, मैंने कहा अली अमजद आ गया? तो अली कहता नहीं अभी तक नहीं आया। इतनी देर में
पीछे से, मेरे पीछे से लाइब्रेरी में से सर अमजद मेरा बाजू पकड़ के कह रहे हैं, अमजद आ गया है, अब चलो क्लास में। अब ये चीज़ जो थी, अरफा जो के लाइब्रेरी में थी, अरफा ने पूरा होता हुआ देखा। तो हमारी फिर जब भी मैथ्स की क्लास होती थी ना, तो अरफा मुझे कहती थी अमजद आ गया है, अब चलो क्लास में। ये उसका एक वाक्या था। तो आई एम श्योर ये सर अमजद को भी ये वाक्या याद होगा डेफिनेटली। लेकिन हमें हमारे दोस्तों में आज भी जो है ना, मेरा इस चीज़ पे मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि पकड़ा मैं गया था। और उसके बाद जो है सर अमजद ने क्लास भी जो थी वो मेरी ली थी कि सर अमजद कभी भी पकड़ते, अमजद आ गया अब क्लास में चलो। ठीक है सर। अच्छा ये बताएं कि एज अ हेड गर्ल जो उसका रोल था उसमें वो सख्त थी? डेफिनेटली। मारती भी होती थी? वो मारती थी। और मैं कहता हूँ कि वो नाराज हो जाए तो पहले आपको हाथ पड़ता था, बाद में पता चलता था मारा किसने है। तो वो जब नाराज होती थी या आपने कोई ऐसी हरकत कर दी है जो कि उसको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो वो प्रॉपर नोटिस करवाती थी कि आपने सही नहीं किया, ताकि आप दोबारा ना करें। अब अगर आप दोबारा वो हरकत करेंगे फिर आपसे बात ही नहीं करूँगी। एक हफ्ता, दो हफ्ते, वो ऐसे उनका चलता था। एक कमांड है, ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट भी है, उसने रखनी है, अपना भी देखना है, अपने रिलेशनशिप्स भी रखने हैं अपने दोस्तों के साथ, और जो उसको टाइटल मिला हुआ है स्कूल में उसने उस अपने रोल और किरदार को भी संभालना है। तो वो दोनों को साथ साथ लेके चलती थी। इक्वल। दैट्स ग्रेट। तो खाने वगैरह अक्सर मुझसे फरमाइशें करती होती थी। आप लोग ग्रुप में बैठते थे, याद है? जी हाँ। क्या क्या खाया हुआ आप लोगों ने इकट्ठे? आंटी अरफा की हमने जो है बिरयानी खाई हुई है। वो बल्कि वाकया वो ये था कि ड्रामेटिक्स की ही ये बात है, हमारा मेरा ख्याल है एनुअल शो चल रहा था या हमारी रिहर्सल्स चल रही थी, तो उसमें हम स्कूल में काफ़ी देर तक रहते थे। अब दोपहर का जो खाना होता था वो स्कूल की कैंटीन में खाना तो नहीं होता, वो स्नैक्स होते हैं मोस्टली। तो बारियां लगी हुई थी कि जी आज इसके घर से आएगा, आज उसके घर से आएगा। तो एक दिन मैंने अरफा को कहा, मैं कहा मेरे घर की बिरयानी जो है ना बड़ी अच्छी बनती है। कहती अच्छा चलो ले कर आओ। वो मैं ले आया सारों के लिए, खाई, पूछा अच्छा जी कैसी है? हाँ अच्छी है। अब मैं तुम्हें बिरयानी बना के खिलाऊंगी। ठीक है जी। फिर अरफा लेकर आई और अरफा की हमने बिरयानी खाई। मैं कहता हूँ कि वैसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। बड़ा मज़ा आया। कहती देखा मैंने कहा था ना मेरे घर की ज़्यादा अच्छी है, मैं अच्छा बनाती हूँ। मैंने कहा ये अब हमने चख लिया ना तो ये प्रूफ हमें मिल गया है। अक्सर वो कहती होती थी पास्ता कभी बना के, तो कभी कुछ कहती थी ये मैंने लेके जाना है, सैंडविच बनाने हैं, वो मुझे याद है किचन में। फिर मैं एक दफ़ा, वो आपको अगर याद होगा, वो टैकोस टाइप वो जो कचूरी सी मैं तो उसको बोलती हूँ, तो मुझे एक दिन फरमाइश उसने की स्कूल में करफा ये बड़ी मुश्किल है, ये इतनी सारी कैसे बनाएंगे कि बच्चों सारों में उसमें टाइम लगता है। कहती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप बस बताती जाए मैं करती जाऊँगी। वो फिर मैंने, खैर वो सानी जी थी, मैंने वो सारी चीज़ें तैयार की, मैंने कहा इसकी ऐसे फिलिंग करनी है, वो सारी की सारी फिर उसने मैं बनाती गई, वो फिलिंग करती गई। तो फिर ले अच्छा मैंने देखा कि वो ना हमेशा दूसरों को खिला के खुश होती थी। राइट। बांट के, शेयर करके। और वो फिर मैं उसके साथ, क्योंकि वही बात होती है ना कि एक कोई ना कोई ऐसा आपको चाहिए होता है सहारा कि जो आपको सपोर्ट करे। तो मेरा तो रोल वही था ना कि उसको लेना कहाँ से है, छोड़ना कहाँ पर है, टाइमिंग कौन सी है, और कमिटमेंट के बारे में जो है शी वाज सो कमिटेड। आपको अंदाज़ा होगा उसका कि शी वाज वेरी कमिटेड। उसका बिल्कुल वो वेस्टर्न था कि जी आपने अगर 1:30 का टाइम दिया है तो आप 1:30 यहाँ पे क्यों नहीं है, बल्कि आप 5 मिनट पहले पहुँचे, ताकि यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। तो प्लानिंग में तो ऑब्वियसली यू नो शी वाज परफेक्ट, एक एक महीना आगे प्लान कर रही है, बल्कि प्लानिंग करना ही मैंने उससे सीखा है, जो सच्ची बात है। कि अब मैं जिस तरह अब US में होता हूँ, उस टाइम पे 2011-2012 में हमने तो सोचा ही नहीं था ना कि हम बाहर जाएंगे। लेकिन अरफा ने हमें ये समझाया कि नहीं तुम्हें क्या पता आगे क्या हो, शायद तुम जब ग्रेजुएट करो शायद तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए। इसी तरह उसने SATs भी मेरे से दिलवा दिए, हालांकि SATs का मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि SAT होता क्या है। अरफा ने बताया, उसने कहा अच्छा अब ये क्लासेज हो रही हैं SATs की, ये ज्वाइन करो। वो ज्वाइन की, उसके साथ वो क्लासेस लीं, वो पेपर दिए, वो पेपर दे के फिर आगे अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि जब वो टाइम आया अप्लाई करने का, तब एहसास हुआ कि यार ये चीज़ तो सच में इम्पॉर्टेंट थी, हमें पता ही नहीं थी कि हमें ये चीज़ करनी है। तो पानी जो है वो सर से उसने कभी गुजरने नहीं दिया, वो हमें हमेशा उसने इन चेक रखा, और गाइडिंग फोर्स भी थी हमारे लिए स्पेशली। तो इंस्पिरेशन मैं कहूँगा, इफ़ शी वॉज डेफिनेटली इन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ अस इन द ग्रुप।
वो आपने मुझे याद है जब मेरा आपसे रब्ता हो तो आपने कहा था कि आज मैं यूएस में हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें उसका क्या किरदार था. तो आई रिमेम्बर दिस एज वेल. ये है कि उसको मुझे याद है कि जो स्कूल में बच्चियाँ बच्चे वो थोड़ा सा ना टॉम बॉय टाइप की थी ना, तो उसको वो नहीं आता था वो शर्माना बच्चियों की तरह या उस तरीके से अपने आप को कैरी करना जैसे लड़की बेसिकली एक लड़की करती है. तो वो होती थी कि बस छोड़ दो मुझे, मैं हूँ तो मैं अल्फा करीम लड़की नहीं हूँ, मैं एक पूरा इंडिविजुअल हूँ. तो छोटी एज में ही उसकी ये सारी चीज़ें साथ साथ चली जो कि एल जी एस में आपका कितनी देर उसके साथ रहा? आंटी 2 साल, क्योंकि ए लेवल्स में वो आई थी A1 में, तो हम भी A1 में साथ ही आए थे उसके. वो अलहदा बात है कि हम स्कूल में तो पहले से ही थे, ओ लेवल सारा कर करके सीधा वापस वही चढ़ते गए. लेकिन आउट ऑफ स्कूल जो लोग आते हैं वो हमारे लिए नए होते हैं, तो अरफा वॉज अ न्यू वन. तो वी गॉट टू स्पेंड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स. अच्छा अच्छा, 2 ईयर्स तक आप इकट्ठे रहे जी. हाँ. तो बाकी टीचर्स वगैरह के साथ उसका क्या रिस्पेक्ट करती थी, क्या आपके जहन में है? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट. वो तो ऐसे ही था ना कि वो कहती नहीं जी, टीचर जो है वो आपके वालदैन के बराबर है, आपने उसकी इज्जत करनी है, आपने जो है जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, चाहे गलत बात कर रहा है लेकिन आपने वो माननी है. जो हमेशा जो है यू नो बात सुनिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है और यू नो मैं अगर उससे बात करता हूँ कि यार नो हम लोगों ने जाके आज समोसा खाना है, समोसा आज कैंटीन में अच्छा है, कहेगी बाद में पहले सुनो क्या कह रहा है बंदा. तो उसमें वो बहुत जो है ना वो ख्याल रखती थी कि टीचर को भी कभी ये महसूस ना हो कि मैं अटेंशन पे नहीं कर रही, या यू नो मेरे साथ वाले जो मेरा जो ग्रुप है दोस्तों का स्पेशली वो मैं उनको डिट्रैक नहीं होने दे रही कि मैंने भी उनको ट्रैक पर रखा हुआ है कि ये लोग मेरे साथ एक्सेल कर रहे हैं. तो कभी कभार ऐसे हुआ है एक दो दफ़ा कि आई थिंक सर अमजद से जो हमारे मैथ्स के प्रोफेसर थे उनसे उन्होंने डायरेक्टली अरफा से शिकवा किया कि ये तुम्हारे जो ग्रुप के लोग हैं ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे. तो अरफा ने आके हमें ये मैसेज कन्वे किया तुम लोग अच्छा क्यों नहीं कर रहे, अब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, तुम लोग आओ क्लास के बाद लाइब्रेरी में जो तुम लोग जाते हो इधर उधर जैम सेशंस में 2-2 घंटे गुजारते हो उसमें से 1 घंटा मेरे साथ. तो वो इट डेफिनेटली हेल्प्ड. सर अमजद ने मुझसे जिक्र किया था, कहते हैं कोई बात होती थी मुझसे लड़ने पहुंच जाती थी कि मैं उसको कहता था अरफा ये तुम्हारा मसला नहीं है, वो कहती थी सर क्यों मेरा मसला नहीं है, मैं हेड गर्ल हूँ मेरा ही मसला है ये. तो उसके पेपर में मैथ्स में ना सर अमजद ने 2 नंबर काट लिए. तो ना कहते हैं पहुँच गई मेरे ऑफिस कि आपने सर, कहते मैंने वो वैसे आपस की बात है काटे मैंने जान के थे इसके पूरे नंबर आ रहे थे. तो मैंने ना तो मैंने कहा कि नहीं ये तो गलत हो गया पूरे ही मार्क्स आ गए. तो कहते हैं मुझे पता भी था ये लड़ने पहुंचेगी. तो वही हुआ, कहती सर आपको पता है कि इसमें नंबर नहीं कटते आपने क्यों काटे हैं. तो कहते हैं अच्छा चलो मैंने काट लिए ना तो अगली दफ़ा तुम ये ले लो. तो वो कहते थे मुझे पता है मैंने एवं ही काटे थे, पहले मैं पूरे मार्क्स हो गए थे तो फिर मैंने जान के मैंने कहा नहीं नहीं क्योंकि थोड़ा सा तो चैलेंज इसके लिए भी रहे ना, उनको भी ये था उस्ताद थे ना, उनको पता उस्ताद को तो पता होता है कौन सा बच्चा थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्ट करता है. तो उसमें अरफा में ये बात थी कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करना उसको आता था. yes. और वो हमेशा करती थी. Absolutely. कोई बात हो जानी उसने कहना नहीं मैंने करना है, कभी कोई उसको कह देता था ना नहीं तुम ये नहीं कर सकती फिर तो वो और हो जाती थी कि नहीं ऐसा कौन सा काम है कि जो नहीं किया जा सकता, मेहनत करें तो आप कर सकते हैं. बिल्कुल. जो बच्चे एग्जाम की तैयारी के लिए जैसे वो तैयारी करते हैं ना तो वो चीज़ वो शेयर करती थी आपके साथ कि ऐसे पढ़ो. बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा हमें बल्कि एक प्लान होता था क्योंकि ऑब्वियसली CIEs जो हैं वो इट्स नॉट एन ईजी जॉब. तो वो हमें बताती थी कि यू नो पहले अब ऑब्वियसली हमारे जो आते हैं एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनकी डेट्स काफ़ी साथ साथ इकट्ठी इकट्ठी होती हैं कि जी 15 को ये है 16 को ये है. अब वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उतनी देर में तो आपको आप नहीं कर सकते एक दिन में कि जी आप बिल्कुल ही मैथ शिफ्ट करके अब आप फिज़िक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो. तो वो प्लान एक बनता था कि जी अच्छा हमने शुरू कहाँ से करना है. अब उसमें फ़ायदा हम साइंसेज को ये हुआ क्योंकि हम साइंसेज ग्रुप में थे कि अरफा हमारे ग्रुप में थी. तो हम अरफा से पूछते थे अरफा तुम कैसे तैयारी कर रही हो. अरफा कहते देखो पहले मेरा ये एग्ज़ाम है ठीक है ये बिल्कुल एंड वाला है तो इसकी तैयारी मैं सबसे पहले करूँगी ठीक है. अब वो इसी तरह वो फिर एक लाइन चलती थी ताकि जैसे जैसे वो डेट करीब आते रहे जो आपका सबसे पहला एग्ज़ाम होगा उसकी आप बिल्कुल एंड पर तैयारी करो ताकि उसके मार्क्स आपके अच्छे आएँ और बाकी के जो सब्जेक्ट्स होंगे फिर वो आपके लिए पूरी रिविज़न होगी. उस तरह फिर आपका एक कॉन्सेप्ट पक्का होता है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं.
तो वो एक बहुत अच्छा उसने हमें टूल दिया था ये सक्सेस का, प्लानिंग। अच्छा 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 हाँ, वाकई ये बात तो दिल को लग रही है कि पहले की तो ऑब्वियसली आपने उस वक्त भी करनी होती है, लेकिन आखिरी की भी कर लें तो आपकी एनर्जी भी बच जाती है और आप जैसे टाइम कम होता है और कुछ चीज़ें होती है ना, हम पहले से ही हर चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होती, खुदा ना खासा तबीयत ख़राब हो सकती है उस दिन, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, तो एटलीस्ट आपके पास वो टाइम। अच्छा, वो एक और बात करती थी, आपको याद हो, वो कहती थी कि पढ़ने को ना फन के तौर पर लिया करो, ऐसा है? बिल्कुल, वो था कि वो कहती थी कि जब तक आपका स्टूडेंट या आपके स्टूडेंट का इंटरेस्ट ना डेवलप हो किसी सब्जेक्ट में, तो वो कभी उस सब्जेक्ट में सक्सेस ले ही नहीं सकता, कभी उसमें वो सक्सीड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकता, उसको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। जब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, वो कहती थी कि ये जो है ना, ये चीज़ सही नहीं है, बेकार की एक्सरसाइज है, आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और प्रोफेसर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा। वैसे था बिल्कुल, हाँ, इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये बताएं रजा कि कभी नाराज़ हुई वो, गुस्से में क्या करती थी? गुस्से में आंटी एक तो पहले थप्पड़ पड़ता था इधर कमर पे, फिर दूसरा होता था कि आवाज़ आती थी एकदम से, रजा ये क्या किया तुमने, फिर मैंने क्या किया। एक होता था कि जी अपना, एक और उसका तरीका था, अगर उसने मारना नहीं है, उसने ज़ोर से बोलना नहीं है ना, तो वो उस वक्त पंप्स पहनती थी, तो वो एकदम से ना अपने पंप्स के ऊपर, टोज़ के ऊपर जाके नीचे एकदम से वो रखती थी कि मैं गुस्से में हूँ। तो वो तीन तरीके थे उसके ये बताने के, जी मैं गुस्से में हूँ, तो मेरे से या तो आप दूर रहें, या तो फिर जो है ना आप सही करें जो आपने गलत किया। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो रज़ा, क्या समझते हैं आप, देखते हैं अपने ज़माने में भी, अब तो ये 11 साल पहले की बात हो गई है, अभी की बच्चियां हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि अरफा की पर्सनालिटी को जहन में रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए जो आजकल स्टडी करती हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसे थी अरफा, एक पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है बंदा? उन बच्चियों को मैं ये मशवरा दूंगा अरफा को नज़र में रखते हुए कि अरफा जो थी वो हार नहीं मानती थी, जितने मर्ज़ी उसके आगे हर्डल्स आ जाएं ज़िंदगी में, वो उसने कहना है कि अगर ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही तो ये क्यों नहीं हो रही। अब वो चाहे 10 दफ़ा उसको ये चीज़ करने में लगे, चाहे 20 दफ़ा लगे, वो करके दिखाती थी उस वक्त। और आज भी मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में औरतों के लिए मुश्किल है नौकरी वगैरह करना, या कुछ फील्ड्स में समझा जाता है कि जी औरतें, ये औरतों की फील्ड नहीं है। वो कहती थी हर फील्ड औरतों की है, उसने करके दिखाया आप भी कर सकते हैं, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप बढ़ना चाहें तो, अगर आप में हिम्मत है कुछ करने की, आप भूल जाओ दुनिया आपसे आपको कैसे देखती है, आपके बारे में क्या कहती है, आप जो करना चाहते हो आप वो करो, भूल जाओ बाकियों को। तो एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग फिगर था हमारे लिए, और आज भी है आई एम श्योर, यू नो, बहुत सारी हमारी जो पाकिस्तान में लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए भी।